नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एक एस्थेटिक बुलेट जर्नल बनाऊंगी, तो मैं कुछ ज़्यादा कलरफुल और डिज़ाइंस यूज़ करूंगी। सो अगर आपको प्लेन बुलेट जर्नल बनानी है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोटेक्टर लेंगे और उस प्रोटेक्टर की मदद से एक सर्कल बनाएंगे। तो आप कोई भी प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मैं इस स्केल में जो प्रोटेक्टर अवेलेबल है उससे ही एक सर्कल बना रही हूँ। आप राउंडर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई ग्लास और कुछ। फिर मैं उस सर्कल पे लीव्स यानी पत्तियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उस पे पत्तियाँ बना रही हूँ। तो आप इस बारीक बारीक पत्तियों की कंटिन्यूस लाइन ऐसे बनाते जाइए। आधा सर्कल रीच करने के बाद उसको रोटेट करके फिर जो दूसरा हाफ सर्कल है उसको भी मैं कंप्लीट करूँगी। और ये हम एंड पे पहुँच गए हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा और डार्क करेंगे ताकि सर्कल अच्छे से उभर के आए और हमें ऐसे लगे कि लीव्स सर्कल के शेप में बन गए हैं। फिर फ्लावर्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से आप लीव्स के एजेस पे इस तरह से बारीक बारीक फ्लावर्स बनाते जाएंगे। और आप कहीं पे भी अपने हिसाब से फ्लावर्स बना सकते हैं, जिस तरह से आपको लगे कि ये सुंदर दिखेगा, ऊपर नीचे या फिर थोड़ा साइड पे या फिर बीच में। कहीं पे भी फ्लावर्स बनाइए जिस तरह से आपको विजुअली अपीलिंग लगे। तो हमारी आउटलाइन तो हो गई है रेडी। हमने फूल और पत्तियाँ दोनों बना दी है। अब मैं ब्लू कलर की पेन की मदद से इन फ्लावर्स को थोड़ा और डेकोरेट करूँगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं इनसे डॉट्स बना रही हूँ ताकि ये थोड़ा सुंदर लगे और हम इसको थोड़ा कलर दे सके। फिर एक ऑरेंज पेन की मदद से मैं इन फ्लावर्स में कलर फिल करूँगी। इसका यही मेन इम्पोर्टेंस है कि हम इसको थोड़ा कलर दे रहे हैं। आप चाहे तो रेड, पिंक या कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक कलर के फ्लावर नहीं पसंद है तो आप एक से ज़्यादा कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू, पर्पल और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स। और इस लास्ट फ्लावर को कलर कर दिया हमने। फिर हम ग्रीन पेन की मदद से लीव्स में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं लीव्स को फिल नहीं कर रही कलर से, मैं सिर्फ उनके अंदर लाइंस कर रही हूँ, जिससे उसको एक लीफ वाला पैटर्न भी मिलेगा और आपको एक लीफ में ग्रीन कलर भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने लीफ को कर दिया कलर। अभी हम उसके इंटरनल पार्ट में मंथ का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं मार्च का मंथ लिख रही हूँ। तो हम कैलीग्राफी यूज़ करेंगे। आप अगर चाहते हैं मैं कैलीग्राफी पे कुछ वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो हम इसको कैलीग्राफी में लिखेंगे और मैं ट्राई करूँगी कि और ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊँ बुलेट जर्नल। अभी हम थोड़ा एजेस को इस तरह से डार्क करेंगे ताकि ये थोड़ा कैलीग्राफिक इफ़ेक्ट दे दे मंथ को। फिर ए को भी करेंगे थोड़ा डार्क। अब बारी है आर की। फिर एच में थोड़ा और डार्क करेंगे और इस तरह से हमने एच को भी कर दिया कंप्लीट। और थोड़ा एजेस में इस तरह से। फिर कुछ और हम स्विरल्स बनाएंगे अंदर ताकि थोड़ा भरा भरा लगे हमारा मंथ। तो इस तरह से हमने कर दिया है मार्च का स्प्रेड कंप्लीट। ये हमारा मंथ का स्टार्टिंग स्प्रेड है।
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्प्रेड पे। इस स्प्रेड में मैं एक कैलेंडर बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम कैलेंडर की आउटलाइन खींच लेते हैं। तो मैं इस स्केल की मदद से 7 डेज के लिए आउटलाइन बना रही हूँ। दूसरे पेज में भी कंटिन्यूएशन होगा क्योंकि सारे 7 डेज एक पेज में फिट नहीं हो पा रहे, तो मैं दूसरे पेज में बाकी दो डेज बना दूंगी। फिर उसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से खींच लूंगी। दूसरे साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इससे हमें हमारे मंथ कैलेंडर के लिए एक ग्रिड तो बन गया है। इसके बाद हम एक ऑरेंज हाइलाइटर की मदद से स्क्वायर के एंड पे इस तरह से मार्किंग्स करेंगे। दूसरी साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। फिर हम जिस मंथ में जो डे यूज नहीं हो रहा है उसमें थोड़ा ऑरेंज हाइलाइटर इस तरह से फिल कर लेंगे। इसको हम बाद में एज अ डिज़ाइन यूज करेंगे। अभी डेज ऑफ वीक के लिए हम इस ऑरेंज हाइलाइटर की हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे ताकि उसमें फिर हम डेज लिख सकें। फिर हम डेज लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और सो ऑन। डेज लिखने के बाद हम कैलेंडर्स में डेट देना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमने ऑरेंज हाइलाइटर से मार्किंग की है उसमें हम डेट्स दे देंगे। तो इस तरह से आखिरी वीक को भी हम इस तरह से डेट्स दे देंगे। अभी हम वीक्स के डेज के नाम लिखना कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारा मेन डेकोरेशन वाला काम स्टार्ट होगा। तो ये जो ऑरेंज हाइलाइटर के मदद से हमने जो स्क्वायर को फिल किया है उसमें हम थोड़ी डिज़ाइंस बनाएंगे। तो मैं यहाँ कुछ मेहंदी के डिज़ाइंस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी टाइप के डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बारीक से डिज़ाइन बना लीजिए जो आपको पसंद आए। तो इस तरह से हम एक बॉक्स को ऐसे फिल कर लेंगे और उसी डिज़ाइन से हम दूसरे बॉक्स को भी फिल कर लेंगे। या फिर आप कोई और टाइप के डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं शायद डिज़ाइंस पे कुछ और वीडियोस बनाऊंगी फ्यूचर में, प्लीज़ आप उसको चेक कर लेना, तो आपको इससे डिज़ाइंस के लिए कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने बना लिए हैं अपने डिज़ाइंस। अभी जो हमारी कैलेंडर की पेंसिल आउटलाइन है उसको हम पेन की मदद से परमानेंट करेंगे ताकि ये थोड़ा डार्क लगे और कैलेंडर पेंसिल वाला ना रहे और फोम लाइन से बन जाए। तो एक स्केल की मदद से आप इन कैलेंडर आउटलाइंस को बना दें ताकि ये थोड़ा और नीट लगे। इसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनाएं। मैं यहाँ पे फ्री हैंड बना रही हूँ, आप स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम दूसरे साइड भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लें। और ये लास्ट वाली लाइन। तो हमारा कैलेंडर तो बेसिकली हो गया है रेडी। अभी इरेजर की मदद से जो पेंसिल आउटलाइंस आपने बनाई थी उसको रब कर ले। अभी पेंसिल की मदद से मंथ का नाम लिखे, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्च लिख रही हूँ। आई होप आपको पेंसिल वाला आउटलाइन दिख रहा होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पे मार्च लिख रही हूँ। मार्च लिखने के बाद हम स्केल की मदद से उसके साइड पे दो बॉक्सेस बनाएंगे इस तरह से, एक बॉक्स ऊपर और एक बॉक्स नीचे। फिर उसको थोड़ा लेबल देंगे। तो लेबल के लिए मैं इस ऊपर जगह बना रही हूँ और उसमें हम लिखेंगे टास्क और नोट्स।
अभी इस पेंसिल आउटलाइन को हम पेन की मदद से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे टास्क को मैं कैलीग्राफी पूरा करके उसकी बॉक्स की आउटलाइन भी कंप्लीट कर रही हूँ। थोड़ा शैडो वाला इफ़ेक्ट दे देते हैं और नोट्स के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे, एक बॉक्स और शैडो वाला इफ़ेक्ट। फिर हम इस बॉक्स को पेन की मदद से परमानेंट करेंगे ताकि पेंसिल आउटलाइन पे हम लाइंस खींच लेंगे, और उसको मैं ऑरेंज पेन की मदद से थोड़ा लाइंस खींच के कलर फिल कर लेंगे, जिस तरह से हमने लीफ के साथ किया था। अभी हम मार्च को कैलीग्राफी से करेंगे। तो सिंपली मार्च लिखा है, फिर उसके एजेस को थोड़ा थिक करेंगे इस तरह से, और उस एजेस में हम फिल कर लेंगे। एम को कर लिया हमने पूरा, अब बारी है ए की। ए में फिल किया, आर को करेंगे फिल, फिर सी में, और फिर लास्ट एच। तो कर लिया हमने मार्च को पूरा कैलीग्राफी से लिखना, और यहाँ पे मैं साल लिख रही हूँ 2020। हम शायद एक सेक्शन मिस कर रहे हैं तो उसको भी हम बना लेते हैं। तो उसके लिए आउटलाइन बना दी है मैंने, उसमें लिखेंगे गोल्स। हमारे मंथली गोल्स होना ज़रूरी है ताकि हमको पता चले कि हम मंथ में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उसको भी मैंने शैडो इफ़ेक्ट देके उसके अराउंड एक बॉक्स बना लिया है। तो ये हो गया हमारा मंथली स्प्रेड रेडी, जिसमें हमने कैलेंडर बनाया है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्प्रेड है वो है डेली स्प्रेड। तो डेली स्प्रेड को भी मैं इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। तो हम इस तरह से एक ट्री जैसी बार्क्स बनाएंगे और उस बार्क्स में कुछ फ्लावर्स, इस तरह से छोटे छोटे प्यारे से फ्लावर्स हम बनाएंगे, और इस बार्क को आपको फुल्ली फिल करना है इस फ्लावर से। थोड़े और यहाँ पे भी, और यहाँ पे कुछ और लास्ट ब्रांच में भी बना लेंगे थोड़े फ्लावर्स इधर और यहाँ थोड़े साइड पे। और ये वाले कॉर्नर पे भी हम इसी तरह से तीन फ्लावर्स बना रही हूँ, और कुछ यहाँ पे, ताकि ऐसा लगे कि फ्लावर्स विथर होके पूरे पेज में फैल चुके हैं। अभी हम इस स्प्रेड में हमारे डेली टास्क लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला दिन है मंडे। तो मंडे को मैंने कैलीग्राफी से इस तरह से लिखा, और फिर उसको एस्थेटिक बनाने के लिए ऑरेंज पेन से उसको दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लिख दिया। फिर हम बॉक्सेस बनाएंगे, टिक बॉक्सेस, और हमारे डेली टास्क को लिखेंगे। डेली टास्क बेसिकली आपके डेली गोल्स होते हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। तो उसको आप इस टिक बॉक्सेस में एज अ लिस्ट लिख लें। तो मैं यहाँ पे मेरे मंडे के लिए गोल्स लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल डेली जर्नलिंग, फिर लॉजिक गेट्स के कुछ सम सॉल्व करने हैं, फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है, और वगैरह वगैरह। अब बारी है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को भी हम कैलीग्राफी से लिखेंगे जैसे हमने मंडे को लिखा है, और उसी तरह से ऑरेंज पेन की मदद से दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे, फिर टिक बॉक्सेस, और डेली गोल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रहे जहाँ आपने फ्लावर्स बनाए हैं तो उसको थोड़ा हम अलाइनमेंट साइड पे बना दें, ताकि फ्लावर्स का डिज़ाइन बिगड़े ना, और आपकी लिस्ट इस तरह से
कंटिन्यू करते रहें। और फिर हम वेनसडे को भी कैलीग्राफी से लिखेंगे और रेंज पेन की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे और उसका डेली टास्क फिल कर लेंगे इस तरह से। वेनसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के साथ भी कैलीग्राफी और हॉरिजॉन्टल लाइन और थर्सडे के डेली टास्क। थर्सडे के बाद फ्राइडे के साथ भी हम डेली टास्क की लिस्ट बना लेंगे। तो सैटरडे के लिए भी बना लेते हैं। और हम सैटरडे के लिए भी लिस्ट और डेली टास्क बना लिए। अब बारी है हम जिस जिस तरह से टास्क को अचीव करें उसको डेली हम फिल कर लें। मैं यहाँ पे आर्बिट्री आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह मैं फिल कर रही हूँ। तो ऐसे ही इंश्योर करें कि आपके जो डेली टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये था मेरी एस्थेटिक बुलेट जर्नलिंग वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं और वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर ले जो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रही है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।